फिलहाल यहाँ। नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं और ये पीआरटी शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कांग्रेस ऑफिस के पास बरसात में धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग वही पुरानी मांग है कि रिजल्ट जारी करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। ये कांग्रेस का कार्यालय एक बीच तरफ देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर बैठकर बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं और भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात है, आज बैठ गए बारिश में आप लोग? सर, हम लोग को लगता है कि आत्मदाह कर लें। क्यों आत्मदाह कर लेंगे भाई? सरकार से बहुत अनुनय विनय बहुत कर चुके हैं सर। हमने 2016 में फॉर्म भरे, 2017 में एग्जाम लिखे, 18 में सर इसका रिजल्ट आया और यहाँ तक कि सरकार के नियमावली में ये उल्लेख था कि अगर 25% के रिजल्ट, 25% के खाली सीटों पर अगर प्राइम टीचर का लोग अगर पास नहीं करते हैं तो यह सीट को सीधे 75% से जो लोग पास करके आए हैं उसमें इसमें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि सोनी कुमारी केस हुआ था हाईकोर्ट में, इसमें पूरा नियुक्ति पोस्ट लग गया। उसके बाद सोनी कुमारी का जजमेंट जब आया तो उसमें 3 लार्जर बैंक का फैसला आया था सर कि 13 डिस्ट्रिक्ट का जितने भी नियुक्त शिक्षक हुए हैं उन्हें रद्द किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी, लेकिन इसके बावजूद आप लोग नियुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए आप लोग नाराज हैं जी, गुस्से में हैं और यहाँ आकर बैठ गए जी सर। उसके बाद बारिश में बैठने का मन जो बना है इसका क्या वजह है? बारिश में क्या करें सर, हमारा पूरा परिवार, हम लोग को आत्महत्या कर लो, हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमारा मन तो है कि हम लोग आत्महत्या कर ले। क्यों आत्महत्या हम लोग कर लेंगे? क्या करे सर जी, के जब 5 साल पहले हम लोगों ने नौकरी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अभी तक दर दर भटक रहे हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग कम्प्लीटली प्रताड़ित है। समाज में, सोसाइटी में, हर जगह में ऐसा लगता है कि लोग हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं कि 5 साल से परेशान है, हाई स्कूल 25% कुछ नहीं हो पाया, ये लोग पास किया है कि रात्रि में खाली ऐसे दौड़ता है ये लोग। अब बताइए क्या करें, जब आदमी का आत्मसम्मान पे जब ठेस पहुंचती है तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता है सर। लेकिन फिर भी उम्मीद है और यहाँ उसी उम्मीद से आए कि शायद सरकार हमारा काम कर दे। देखिए ये उसी उम्मीद में है, मैं नमन करता हूँ सर कि हम लोग का नियुक्ति, हम लोग का 25% का रिजल्ट। भगवान कौन है? हमारे हेमंत सोरेन, हम उनको भगवान बहुत तरह से भगवान मान रहे हैं सर कि हम लोग का 25% का जो रिजल्ट अभी परीक्षा फल जो फंसा हुआ है आयोग में, मैं उस उन्हें आदेश दें और रिजल्ट को प्रकाशन करने का सर हम लोग आग्रह कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग चाहे जो भी हो जाए हम यहाँ से, हम लोग यहाँ हटने वाले नहीं है। मरेंगे या कुछ होंगे हम लोग यहीं पर रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? आज हम लोग का मृत्यु हो जाए तो भी यहीं रहेंगे, चाहे तबियत खराब हो जाए या जो भी हो जाए, हेमंत सरकार हम लोग को जब तक न्याय नहीं देंगे हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे सर। अच्छा, और इस मामले में तो सारी जानकारी उनको है ही, जानकारी देने की जरूरत नहीं है कि 25% किस तरह से घसीटा जा रहा है। और जब झारखंड SSC हम लोग का डिवी ले चुका है, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले चुका है, तो केवल अंतिम परीक्षा फल पर रोक क्यों लगा दिया है? ये सरकार इसका जल्द से जल्द जवाब दे और उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग का काम भी करेंगे। और हम लोग इसी धैर्य से यहाँ बैठे हुए हैं, ये आवाज आपके माध्यम से हम हेमंत भैया को पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी आवाज को सुने और जल्द इसका निराकरण करे। ठीक है, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ पूरी बात क्या है। मूसलाधार बारिश में जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी मांग है कि जो परीक्षा इन्होंने दी है उसका रिजल्ट जारी किया जाए और PRT शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री से ये अपनी गुहार लगा रहे हैं और ये सभी लोग इसी की मांग कर रहे हैं। ये सभी गैर अनुसूचित 11 जिलों के हैं और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इन जिलों के अभ्यर्थियों पर किसी तरह का स्टे नहीं है, इसके बावजूद नियुक्ति नहीं हो रही है, तो नाराजगी तो इनके अंदर है ही। प्रियंका जी हैं, पूरी तरह से भीग चुकी हैं, थोड़ी कुछ पानी में छत भी गिर रहा हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। JSSC न्याय करो, 25% रिजल्ट जारी करो, तो पूरा बोर्ड भी आपका भीग गया है। कोई बात नहीं सर, आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने रिजल्ट की मांग के लिए एकदम डटे हुए और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा अब हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अब जब पूरा भीग ही गए तो तबियत खराब हो जाए, मर जाए, सरकार को क्या है? वो तो अपना मर्जी चला रही है, तानाशाही करने पे आ गई है कि नहीं हम 11 जिला का रिजल्ट नहीं देंगे, जबकि कोई रोक टोक नहीं है। आपको तो पहले भी बताया गया है, दीपिका मैम से भी आपने बात की है कि हमारे पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है।
आयोग जाते हैं तो आयोग से चेयरमैन सर सीधा साफ बोलते हैं कि आप जाइए सरकार से एनओसी लेके आइए, हम आपका रिजल्ट एक हफ्ता के अंदर दे देंगे, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार उनको एक ग्रीन सिग्नल दे तब ना वो अपना काम करे, क्योंकि चेयरमैन सर के भी हाथ बंधे हुए हैं सरकार के लिए से। अगर बारिश में आप बीमार पड़ जाते हैं तो धरना कौन देगा प्रियंका जी? ऐसे ही देंगे, लेट जाएंगे रोड पे, बीमारी रहेंगे, जो होगा। क्या बोल रहे हैं? बीमार अगर हो जाएंगे तो सलाइन तबियत खराब होगा, रोड पे ही इसका काम होगा ठीक करने का, रोड दवा पे ही रोड पर ही दवा आएगा। जब सरकार को हमारे बारे में कोई चिंता ही नहीं है और सरकार हमारा रिजल्ट मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है और रिजल्ट नहीं निकाल रही है तो ऐसे जिंदगी रह के भी क्या करेंगे हम लोग? आप तो कांप रहे हैं भाई, आप तो पूरी तरह से कांप रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी जब तक सांस है तब तक लड़ाई है, जब मर जाएंगे तो फिर सरकार इतना हो जाएगी। आक्रोश, मैंने आपको बताया आक्रोश नहीं, अंदर जो नाराजगी का है या फिर जो दर्द है ना वो है, आक्रोश नहीं है हमारा। अगर आक्रोश रहता तो हम लोग उग्र आंदोलन करते, ये बारिश में भींगते नहीं हम लोग। सरकार के प्रति जो हमारा जो दर्द है, शायद वो दर्द को सरकार इस बहाने देख ले कि क्या हम लोग एक अंदर भी यहाँ पे कुछ लोग बैठे, थोड़ा चाहेंगे थोड़ा हम आगे बढ़े और आपको दिखाते। दरअसल दिखाने का मकसद यही है कि हम बता पाए कि जब नौकरी नहीं होती है और तमाम प्रक्रिया के बावजूद नौकरी नहीं होती है तो इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है कि बारिश तूफान और आंधी में भी धरना देते हैं। और फिर हम जैसे जर्नलिस्ट मजबूर हो जाते हैं कि इसी बारिश में इन लोगों के धरना को कवर करने आ जाते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बोलिए बोलिए बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? माधुरी मुर्मू। क्या? माधुरी मुर्मू। माधुरी जी बताइए कि इतना भीड़ के बारिश कर रहे हैं, बारिश पे धरना दे रहे हैं, घर वाले में क्या स्थिति है? घर वाले मना नहीं कर रहे कि भाई बारिश मत भीगो? वो लोग क्यों मना करेंगे, जब हम नौकरी सही चीज के लिए खड़े हुए हैं तो क्यों मना करेगा कोई? हम सही है ना, अपना हक मांग रहे हैं हम, तो क्यों गलत बोल रहे हैं, तो क्यों मना करेगा वो? ठीक है, देखिए बात यही है कि परीक्षा होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती है और फिर राज्य भर के युवा अभ्यर्थी वो मजबूर हो जाते हैं कि वो बैठें और धरना दें, फिर चाहे बारिश हो या आंधी हो, छाता हो, गमछा हो। और आप एक बार इन लोगों को देखिए कि किस तरह से ये सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सबकी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बारिश में भींग रहे हैं ये लोग, और बारिश से भीगते हुए कांपते हुए हेलमेट पहनकर, गमछा ओढ़कर या जो ये बैनर लेकर आए थे उसी को लेकर बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब के बावजूद सरकार इनकी मांगों को सुने और इनकी बात को सुने सरकार, और जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सके ताकि इन लोगों की जो आंदोलन की जो प्रक्रिया है, जो रूपरेखा है, वो एक निश्चित समय तक पहुँच सके और नियुक्ति हो सके। इसी नियुक्ति की मांग को ये लेकर बैठे हैं। इस ज़मीन को आप देखिए, जिस ज़मीन पर मूसलाधार बारिश के बाद पानी गिर रहा है और पानी की वजह से ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल गीले होकर, मूसलाधार बारिश है, जोरदार बारिश है, इसके बावजूद ये लोग यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस का ऑफिस है, कांग्रेस का ऑफिस है, अंदर बैठक चल रहे हैं और सभी लोग बैठ कर यहाँ से देख रहे हैं। और ठीक कार्यालय के सामने, कार्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर बैठकर ये सभी लोग धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि JSSC को आदेश दो और उस आदेश के बाद इनकी नियुक्ति हो सके। और इसीलिए इस बारिश में भीगते हुए ये सभी लोग धरना दे रहे हैं। नियुक्ति वर्ष की यह तस्वीर निश्चित रूप से परेशान करने वाली है कि जिस साल को खुद इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, उस साल में भी ये लोग जमीन पर भीगते हुए बैठने को मजबूर हैं। तो आखिर मसला क्या है, क्यों नहीं नियुक्ति हो पा रही है और सरकार के पास इसका वाजिब जवाब क्या है? क्योंकि जिस भी मंत्री के पास या कहीं भी हम जाते हैं उनसे पूछते हैं तो जवाब यही है कि हम प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, सब आसान्वित हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन यह कब ठीक होगा वो नहीं पता है। और इसीलिए इनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो परेशान हैं, बारिश में हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को आप पूरा करें। आप देख रहे हैं द फॉलो अप,
और इसी तस्वीर के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। जब बहुत मूसलाधार बारिश में ये सभी लोग खड़े होकर बैठकर जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो परीक्षा इन्होंने दी है वो परीक्षा आप उसका रिजल्ट निकालिए और साथ ही हम सबको नियुक्ति दीजिए। नमस्कार।